बाइडेन पर वॉशिंगटन पोस्ट ने एबीसी न्यूज पोल का सर्वे किया है। बाइडेन की रेटिंग गिर गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की लोकप्रियता में गिरावट। त्रेपन फीसदी लोगों को बाइडेन के काम से मिली निराशा। कोरोना अर्थव्यवस्था आप मामले में लोगों ने जताई नाराजगी। यह इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। मैं जाऊंगा सीधे आपको यहां पर बाइडेन का जो सर्वे आया है इसको जरा चेक करें, सीधे प्लेआउट करें। यहां पर जो हमारे पास है, अमेरिकी राष्ट्रपति की लोकप्रियता में कमी आई है, इसको नहीं डिनाई कर सकते हैं आप। बाइडेन का जो कार्यकाल है, काम से निराशा 53%, इकॉनमी 70% ने कहा बहुत ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब, अर्थव्यवस्था 55% ने कहा संतोषजनक नहीं, 55% कोरोना की रोकथाम, करीब 49% ने कहा ठीक से हैंडल नहीं किया। वॉशिंगटन पोस्ट ने, चिंताजनक बात यह है कि कई लोगों से पूछा गया कि आप रिपब्लिकन कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे डेमोक्रेट, तो उसमें 50% से ज्यादा लोगों ने रिपब्लिकन को बोला है। यह अभी इनका हाल है। मैं चाहूंगा राहुल इस ग्राफिक्स और शॉर्ट्स के साथ सीधे चले पुष्पेश सर के साथ। पुष्पेश सर, ये रेटिंग आई है इसमें, इससे ज्यादा मैं आपसे चीज जानना चाहूंगा, ये घर में पॉपुलर है नहीं, दुनिया में कई मौकों पर इनका मजाक उड़ चुका है। अमेरिकन प्रेसिडेंट इतना वीक शायद ही कभी दिखा होगा। डोनाल्ड ट्रंप को रिटोरिक्स के लिए जाना जाता था, बट दिस मैन इज लुकिंग वीक। ऐसे में बाइडेन और इनकी बातचीत में क्या सोचते हैं आप सर? देखिए, मुझे लगता है कि बाइडेन और शी की बातचीत का कोई तुक नहीं है। वो एक फेस सेविंग समिट है बाइडेन के लिए, कि वो दिखा रहे हैं कि सक्रिय हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से बिल्कुल रण छोड़ के भागे नहीं हैं। मगर जहाँ तक एक एक कर आप गिनती करें, तो ताइवान वालों को अफगानिस्तान के बाद तो कम से कम रत्ती भर भरोसा नहीं रह गया होगा कि अमेरिका की किसी समझौते पर, संधि पर आश्वासन किया जा सकता है। यही कमोबेश शक जापान को है। तो मुझे लगता नहीं, और बाइडेन ये कह चुके हैं, अमेरिकी प्रशासन ये घोषणा कैच कर चुका है कि चीन के साथ हमने जो करार किया है ताइवान को लेकर, वो अपनी जगह पर बरकरार है। वो एक चीन में विश्वास करते हैं, अर्थात ताइवान को चीन का अभिन्न अंग मानते हैं। बहस का मुद्दा सिर्फ इतना है कि चीन उसका विलय में शक्ति परीक्षण के बाद करेगा या अहिंसक तरीके से करेगा। तो क्या शी इतनी प्रतीक्षा करेंगे कि जनमत उनके पक्ष में ताइवान में हो और ताइवान वाले चीन में मिलने को शामिल हो जाए? ये असंभव नहीं है। उसी तरह जिस तरह दक्षिणी कोरिया के संग पैतरेबाजी होती रहती है, मगर दक्षिणी कोरिया का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चीन है, और चीन का ही आयात निर्यात काफ़ी वहाँ से होता है। तो मुझे लगता नहीं कि आज अमेरिका की कोई हस्ती न पूर्वी एशिया में है, न मध्य एशिया में है, न दक्षिण एशिया में है, और अपनी लोकप्रियता उनकी बुरी तरह घट रही है, अर्थव्यवस्था खटाई में है। न केवल जनमत के आंकड़े आप सुना रहे हैं, जो चुनाव वो हारे हैं, जो उनके गवर्नर के चुनाव हारे हैं, और जिस तरह के सीनेट में असमंजस की स्थिति है, बाइडेन के लिए अपनी इज्जत बचाना मुश्किल है। और ये समिट और कुछ हासिल करेगा मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि चीन ने स्पष्ट कर दिया है भारत की तरह ही कि कोयले के इस्तेमाल पर निषेध वो नहीं स्वीकार करने को तैयार है, प्रतिबंध स्वीकार करने को नहीं तैयार है। तो क्लाइमेट चेंज का मामला तो वैसे ही ठंडे बस्ते में चला गया। ओके, पॉइंट टेकन सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।